ये कहानी 18 साल के लड़के मैक्स के ऊपर आधारित है, जिसे 40 साल की एक औरत से प्यार हो जाता है। आगे वो एक दूसरे के साथ कब कब और क्या क्या करते हैं, वो हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस मूवी का नाम है लेथल सेडक्शन। और गाइज, ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम मार्क को देखते हैं। मार्क का आज जन्मदिन था। मार्क अपनी मॉम तानिया के साथ रह रहा था। मार्क के पापा की डेथ हाल ही में हो चुकी थी। तानिया मार्क के बर्थडे की खुशी में अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखती है। पार्टी में वॉल्टन मार्क से बोलता है कि अगर तुम्हारी मॉम शाम को उनके बीएफ के साथ बाहर चली गई, तो हम लोग भी तुम्हारी क्रश मेलेनी को शाम को घर पर बुला पाएंगे। मार्क को भी ये बात सही लगती है और वो शाम को अपनी मॉम को उसके बीएफ के साथ भेज देता है, जिसके बाद शाम को अकेले वॉल्टर और मार्क घर पर रह जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ मेलेनी अपनी फ्रेंड के साथ आती है और ये सब आपस में मिलकर कुत्ता डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ अचानक से मार्क के अंकल मार्क के पास आ जाते हैं और वो मार्क से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा ध्यान रखने को भेजा है। तभी यहाँ से सीन स्विच होता है। हम मार्क को एक हार्डवेयर की शॉप पे देखते हैं। फिर वहाँ पर एक आंटी आती है जो मार्क से एज में बहुत बड़ी होती है और वो अपनी फिगर को मेंटेन करने की वजह से काफी ज्यादा हॉट भी थी। उस औरत का नाम क्रीसा था और वो वहाँ पर एक शावर लेने को आई थी, जहाँ वो मार्क को बोलती है कि प्लीज तुम मुझे एक अच्छा सा शावर धुलवाने में मदद कर दो। कैरिसा की सुंदरता को देख के मार्क भी उस पे लट्टू हो जाता है और वो भी उसकी हेल्प कर देता है। शॉप से बाहर आने के बाद कैरिसा मार्क से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, ताकि तुम मेरे घर पे ये शावर लगाने में मेरी मदद कर सको, जिस पर मार्क भी बिना सोचे समझे उसे हाँ कर देता है। जब मार्क कैरिसा के घर पहुंचता है तो वो जल्दी से वहाँ पर शावर लगा देता है। कैरिसा भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी अचानक से कैरिसा अपना सब कुछ उतार देती है और वो मार्क को जन्नत की शैर करवाने लगती है और वो मार्क के सामने शावर में नहाते हुए मार्क से कहती है, तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो, जिस पर मार्क भी खुद को नहीं रोक पाता और वो कुत्ते की तरह शावर में नहाने के लिए उसके साथ चला जाता है और वहाँ वो दोनों पहली बार गपागप करते हैं। अगले दिन मार्क वॉल्टर को ये सारी बातें बताने लगता है, लेकिन वॉल्टर को मार्क के बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। रात को फिर से हम मार्क को कैरिसा को एक कैफे में देखते हैं, जहां मार्क कैरिसा से कहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जिसपे कैरिसा मार्क से कहती है कि मेरे जान पहचान में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में तुम्हारी मदद कर देंगे। तभी कैरिसा वहाँ पर टॉयलेट जाती है। तब एक वेटर मार्क के पास आता है और वो मार्क से कहता है कि तुम जितना हो सके इस औरत से दूर रहो, वरना एक दिन ये औरत तुम्हें जिंदा खा जाएगी। लेकिन अपने मार्क भाई को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और वो वेटर की बात को इग्नोर कर देता है और उसके बाद भी मार्क कैरिसा के साथ दिन रात गपागप करता है। दूसरी तरफ मार्क की माँ तानिया को भी उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था और वो कैरिसा को डिनर पर बुलाती है, जहाँ कैरिसा तानिया से बोलती है कि तुम अपने बच्चे का ध्यान ऐसे रखती हो जैसे वो कोई दूध पीता बच्चा हो, जिसे सुनने के बाद तानिया के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो कैरिसा को वहाँ से भगा देती है। मार्क भी कैरिसा के पीछे पीछे जाता है और वो उससे माफी मांगता है, जिस पर कैरिसा मार्क से कहती है कि तेरी माँ तो खुद ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ पूरे दिन गपागप करती रहती है और वो मेरे सामने शरीफ बनने की बकचोदी कर रही है। ये बात सुनने के बाद मार्क भी कैरिसा के साथ उसके घर चला जाता है और घर पहुंचने के साथ ही वो अपना इम्पोर्टेंट काम शुरू कर देते हैं, मतलब पलंग तोड़ने का। उसके बाद तानिया को बेचैनी होने लगती है और वो कैरिसा के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि कैरिसा चूना लगा के पैसे लेने वाली लड़की है, मतलब औरत है। जिसके बाद वो सुबह सीधा कैरिसा के घर जाती है और मार्क को बाहर निकालने के लिए बोलती है, लेकिन कैरिसा वैसा नहीं करती और वो तानिया को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद कैरिसा मार्क से बोलती है कि तुम अब हमेशा मेरे पास रहोगे, लेकिन मार्क अपनी माँ के साथ रहना चाहता था इसीलिए वो उसके साथ रहने के लिए उसे मना कर देता है। अगले दिन मार्क को कैरिसा से दूर रखने के लिए तानिया मेलिसी के साथ मार्क को डेट पर भेजती है, जहाँ पहुंचकर मेलिसी और मार्क एक दूसरे को किस करते हैं और उन्हें आपस में किस करते हुए कैरिसा भी देख लेती है और वो मार्क के वहाँ से जाते ही मेलिसी को टॉर्चर करने लगती है और वो मेलिसी से कहती है, अगर तुम मार्क से दूर नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि तानिया के बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि तुम मार्क की कुछ ज्यादा ही केयर करती हो, जिस वजह से दोनों में बहस हो जाती है और इस वजह से दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अगले दिन मार्क समझदारी वाली बात करता है और वो वॉल्टर से कहता है कि अब मैं कैरिसा को छोड़ दूंगा, मैं मेलनी से पैचअप कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर वॉल्टर गांडू वाला काम करता है, वो कैरिसा को जाके ये सारी बातें बता देता है। ये सुनने के बाद कैरिसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वॉल्टर को अपने ही घर में बंद कर देती है और वो मार्क को वीडियो कॉल करके अपने घर बुलाती है और मार्क के घर आते ही कैरिसा उस पे दारू की बोतल से हमला कर देती है, जिसकी वजह से मार्क वहीं पर बेहोश हो जाता है और कैरिसा उसका सब कुछ उतार के उसे साइड में बांध देती है। अगले सुबह तानिया मार्क को कॉल करती है, लेकिन मार्क उसका कॉल नहीं उठाता, जिसके बाद कैरिसा मार्क के फोन से तानिया को कॉल करके अपने घर बुलाती है, जहां वो गन दिखा के तानिया को हथकड़ी पहना देती है और वो तानिया को एक गन दे के बोलती है, तुम खुद को शूट कर लो क्योंकि तुमने मार्क को मुझसे छीन लिया है, उस गन में बस एक गोली थी। और कैरिसा उसे गन दे के उस घर से चली जाती है। तब तानिया मार्क को बताती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम अपने डैड की तरह मर जाओ,
इसीलिए मुझे तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। दूसरी तरफ तानिया का बॉयफ्रेंड भी उसे काफी देर से फोन ट्राई कर रहा था, पर तानिया उसका फोन नहीं उठा रही थी। तब तानिया के बॉयफ्रेंड को याद आता है कि वहाँ से जाने से पहले तानिया ने उसे बताया था कि मैं कैरिसा के घर पर जा रही हूँ, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी कैरिसा के घर के लिए निकल जाता है। उसके बाद तानिया रूम के अंदर फायर करती है और जमीन पे आराम से लेट जाती है और नीचे जमीन पे लेटने का नाटक करने लगती है, जिससे कैरिसा को लगता है कि तानिया ने खुद को मार दिया है। लेकिन कैरिसा के अंदर आते ही तानिया उस पर हमला कर देती है और वो मार्क को बचा के वहाँ से बाहर ले आती है। तभी वहाँ अचानक से कैरिसा फिर से इन दोनों के सामने आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से तानिया का बॉयफ्रेंड भी आ गया था। वो रॉड से कैरिसा को मार देता है, जिसके वजह से कैरिसा वहीं पर बेहोश हो जाती है और ये लोग वहाँ बंद डब्बे में से वॉल्टर को भी बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ तानिया अपने बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी और इधर मार्क भी मेलनी को डेट करने लगा था। कुछ इस तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के धन्यवाद।